तो अब हम स्केलेटल सिस्टम का एक पार्ट है जॉइंट्स, ठीक है। तो हम इसको अब पढ़ते हैं कि जॉइंट्स क्या होते हैं। द प्लेस वेयर, इसकी डिफाइन देखते हैं। द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट्स, क्या? द प्लेस वेयर टू बोन्स मीट इज कॉल्ड जॉइंट्स, मतलब वो जगह जहाँ पे दो बोन्स मिलती हैं उसको जॉइंट्स कहते हैं। बोन्स आर हेल्ड टुगेदर एट द जॉइंट बाई लेगामेंट, जहाँ दो बोन जुड़ेंगी किससे जुड़ती हैं? इस लेगामेंट से, ठीक है ना। इतना अब हम आगे देखते हैं। लेगामेंट आर स्पेशल टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, लेगामेंट क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू से बने हुए कुछ स्पेशल टिश्यू हैं दैट अटैच वन बोन टू अनदर, जो एक बोन से दूसरे बोन से अटैच रहते हैं। यानी कोई भी बोन टू बोन जुड़ी होगी तो किससे जुड़ेगी? लिगामेंट से। यू तो जॉइंट्स का इंट्रोडक्शन हो गया। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ जॉइंट्स। तो मेनली तीन तरीके के जॉइंट होते हैं, फिक्स्ड एंड इमूवेबल, यानी फिक्स हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल हमारा स्कल, खोपड़े के अंदर। स्लाइटली मूवेबल, थोड़े से मूव कर सकते हैं, जैसे वर्टिकल कॉलम, जो हम इधर राउंड कभी राइट देखने लगते हैं तो कभी अपने जो शोल्डर वाला पोर्शन है, हाफ वाला, उसको मोड़ सकते हैं, तो थोड़े से मोड़ सकते हैं, पूरे नहीं। और मूवेबल, जो पूरी तरीके से मोड़ जाए, जैसे नी का हुआ, कोहनी मई चारों तरफ मोड़ सकती है, एल्बो, रिस्ट, नेक, शोल्डर, हिप्स, ये सब क्या हम पूरे राउंड कर सकते हैं। तो इस तरीके के हमारे जॉइंट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हम इनको जॉइंट्स को थोड़ा डिस्क्राइब वे में पढ़ते हैं डायग्राम की हेल्प से। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला। पहला क्या? फिक्स एंड इमूवेबल जॉइंट, ठीक है ना। बोन्स एट द फिक्स जॉइंट लाई अगेंस्ट ईच अदर एंड आर फ्यूज्ड, मतलब बोन्स वो जो फिक्स है जॉइंट है, जो कहाँ मिलेंगी? आपस में फ्यूज्ड होंगी। जैसे एक ये सर का जॉइंट स्कल का, फिर यहाँ जॉइंट होता है और फिर यहाँ जॉइंट होता है। ये क्या है? ये मुड़ नहीं सकता है, ठीक, फिक्स है एक जगह पे। फिक्स जॉइंट डू नॉट अलाउ द मूवमेंट ऑफ बोन, ये बोन को मूव नहीं होने देंगे। एग्जाम्पल स्कल एंड अटैचमेंट द रिप्स टू स्टेनम, और जो हमारा स्टेनम ब्रिस्ट बोन है और रिप्स अटैच हैं, ये मूव नहीं करती हैं, ऐसे की ऐसे ही रहती हैं। दूसरा, स्लाइटली मूवेबल बोन, जिन नाम से ही समझ लो कि वो बोन जो थोड़ी सी मुड़े, जैसे दिस जॉइंट अलाउ ओनली लिमिटेड मूवमेंट, एक लिमिटेड मूवमेंट में ही मुड़ सकती हैं। सच जॉइंट आर फाउंड इन द वर्टिकल कॉलम, ऐसे जॉइंट कहाँ मिलते हैं? पीछे वर्टिकल कॉलम में, जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है, जो थोड़ा सा पूरा इधर मुड़ जाए जब पीटी करते हैं और राइट में थोड़ा सा मुड़ जाए, ऐसे जॉइंट को कहते हैं क्या? स्लाइटली मूवेबल बोन। दीज टाइप बोन जॉइंट प्रोवाइड सपोर्ट, ये क्यों होते हैं? सपोर्ट के लिए, जिसे हम आसानी से खड़े हो सकते हैं। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड कौन सा है टाइप्स? थर्ड है हमारा ये, कौन सा? मूवेबल जॉइंट। मूवेबल जॉइंट जिसके चार टाइप है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, हैंज जॉइंट, पाइवट जॉइंट, ग्लीडिंग जॉइंट। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में क्या आ जाएंगे? ये देखिए, हिंज जॉइंट में एल्बो, नी, फिंगर, पाइवट जॉइंट में स्कल, फर्स्ट दो बोन जो होती हैं गर्दन वाली, गर्दन मोड़ने के लिए जॉइंट है जो, उसे पाइवट जॉइंट कहते हैं। ग्लीडिंग जॉइंट यानी रिस्ट और एंकल, जो कलाई है वो ग्लाइडिंग जॉइंट से अटैच रहता है। अब इनको थोड़ा डिस्क्राइब में पढ़ते हैं, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट को पढ़ते हैं। इट अलाउ मूवमेंट इन ऑलमोस्ट ऑल डायरेक्शन, ये वाला मूवमेंट चारों दिशाओं में मूव हो सकता है। द शोल्डर, कंधा एंड हिप्स हैव दी जॉइंट्स, हिप्स एंड शोल्डर है ये इसमें मिक्स रहते हैं। इन दिस टाइप्स ऑफ जॉइंट द राउंडेड एंड ऑफ वन बोन फिट इन टू कप शेप, ये देखिए ये कप शेप है, ये यहाँ पे जॉइंट है और इसकी वजह से हमारा बॉल, एक बॉल फिट होती है इन जॉइंट के बीच में, जिसकी वजह से ये चारों तरफ मूव कर सकता है, जैसे स्विंगिंग करने में, तैरने में, घूमने में, स्पिनिंग में, बॉलिंग में, ये सब मूवमेंट होते रहते हैं जॉइंट की हेल्प से। तो सिंपल वे में, ऐसा जॉइंट जो बॉल की तरीके से उसमें अटैच हो और चारों तरफ घूम सके, फ्रीली मूवमेंट कर सके, जैसे कि आर्म और हमारे लेग में होते हैं वो वाले, इन्हें कहते हैं बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। अब नेक्स्ट आते हैं हम हिंज जॉइंट पे, ये वाला। अब इस पे आते हैं, जो बुक से लिया गया है इसको देखते हैं। पहला हिंज जॉइंट, द एल्बो, नी, फिंगर जॉइंट अलाउ टू मूवमेंट, ये देखिए हमारे, इन वन प्लेट ओनली, मतलब एक हिंज जॉइंट क्या है, एक ही प्लेट में मूवमेंट कर सके, अप या फिर डाउन, या तो ऊपर या फिर नीचे, या फिर बैकवर्ड या फॉरवर्ड, इस तरीके से जो हमारे जॉइंट होते हैं उन्हें हम हिंज जॉइंट कहते हैं।
जैसे द हिंज ऑफ डोर, सच जॉइंट आर देयरफॉर कॉल्ड हिंज जॉइंट। ये देखिए, या तो हमारा जो क्या कहते हैं जो नी है या तो ऊपर कर पाएंगे या फिर नीचे कर पाएंगे, उसको पूरा मोड़ नहीं सकते हैं, ऐसे जॉइंट हिंज जॉइंट में आते हैं। जैसे हम डोर खोलते तो एक ही साइड खोलते हैं या दूसरी साइड खोलते हैं, उसको पूरा हम 360 रोटेट नहीं कर पाएंगे। तो हिंज जॉइंट वो हो गए जो एक ही प्लेन में मूव हो। पाइवट जॉइंट, इट इज़ फाउंडेड बिटवीन द स्कल एंड द फर्स्ट टू बोन। ये स्कल रहा हमारा और ये दो बोन रही वर्टिकल कॉलम की, स्पाइनल कॉर्ड की, जो गर्दन को इधर उधर रोटेट करने के लिए मूवमेंट करे। सो विद द हेल्प ऑफ दिस जॉइंट्स वी कैन टर्न अवर हेड फ्रॉम वन साइड टू द अदर। तो एक साइड से थोड़ा सा हम अपना हेड मूव कर सकते हैं और थोड़ा इधर मूव कर सकते हैं। तो ऐसा जॉइंट किसकी वजह से? पाइवट जॉइंट की वजह से। नेक्स्ट, ग्लाइडिंग जॉइंट। दिस जॉइंट अकर बिटवीन द सरफेस ऑफ टू फ्लैट बोन्स दैट आर हेल्ड टुगेदर बाई लिगामेंट्स। मतलब ये जॉइंट है वो दो सरफेस के बीच में रहेंगे, यानी दो बोन्स के बीच में, टू फ्लैट बोन्स। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे सम ऑफ बोन्स आर इन अवर रिस्ट, जैसे ये रिस्ट यहाँ कलाई है जिसकी वजह से हम हाथ को पूरा मोड़ सकते हैं, डांस कर सकते हैं, टर्न कर सकते हैं, हैंडल थिंग्स ड्यू टू ग्लाइडिंग और स्लाइडिंग मूवमेंट, और एंकल और रिस्ट की वजह से हम पूरा अपना हाथ मूव कर सकते हैं। तो मेनली ग्लाइडिंग जॉइंट में क्या था हमारा? हाथ मूवमेंट, रिस्ट वाला ऑप्शन। पाइवट जॉइंट में क्या था हमारा? ये गर्दन जो मोड़ सकते हैं। हैंड जॉइंट में क्या था? जो एक ही प्लेन में मूव हो, या तो ऊपर या फिर नीचे, इस तरीके से हमारे। उसके बाद उसमें बॉलर सॉकेट में क्या था? चारों डायरेक्शन में हम मूव करवा सकते थे। उसके बाद वही फिक्स वाला, जो फिक्स रहेगा स्लाइटली कम मुड़ेगा, और इस तरीके से हमारा यहाँ जॉइंट ख़त्म होता है। ओके, ठीक है, आगे देखते हैं अब। तो अब पिछली बार वीडियो में हम लोग थोड़ा बोन्स देखे थे, अब थोड़ा डिटेल में बोन्स को देख लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या है? स्केल्टन सिस्टम। ठीक है ना, ये क्या है हमारा? स्केल्टन सिस्टम है। ठीक है ना, क्या है? स्केल्टन सिस्टम। स्केल्टन सिस्टम में हम लोगों की 206 बोन होती हैं। कितनी? 206, जिसमें एक्सियल स्केल्टन भाग हम बांटेंगे और अपेंडिकुलर स्केल्टन हम बांटेंगे। तो एक्सियल में 80 बोन्स होंगी हमारी और अपेंडिकुलर में 126 बोन होंगी। एक्सियल में क्या क्या आएगा? स्कल, कितनी? 28 बोन। हायोड में एक बोन। वर्टिबल कॉलम में 25 बोन। स्टर्नम में एक बोन और रिब्स में 24 बोन। जो ये बोन आती हैं इन्हें एक्सियल स्केल्टन बोन कहते हैं, जिनमें हाथ और पैर छोड़ दो, बाकी जो बची वो एक्सियल स्केल्टन बोन हो जाएंगी। ठीक है ना, अब लास्ट में आएंगे किसमें? अपेंडिकुलर। अपेंडिकुलर मतलब वो वाली बोन्स जो हमारे पैर और हाथ की बोन्स होती हैं। तो टोटल हमारे जो हाथ की बोन है वो 64 होती हैं और जो पैर की बोन है वो 62 होती हैं। दोनों पैरों में 62 और दोनों हाथों में 64। अब कैसे वो देखते हैं, चलो शुरू करते हैं। जैसे ये हमारा एक हाथ बनाया गया है, ठीक है, ये हमारा क्या है? हाथ है एक, मान लो बना दिए हैं, ठीक है ना, ये हाथ है। ठीक, एक ही क्लेविकल, इसमें स्कैपुला, ठीक है ना, क्या हो गई? एक क्लेविकल बोन हो गई, इसको स्कैपुला कहेंगे, एक बोन। यहाँ पे ह्यूमरस बोन रहती है, यहाँ पे दो बोन रहती हैं, एक अलना और एक रेडियस। यहाँ पे फिर 8 बोन रहती हैं, यहाँ पे 5 बोन रहती हैं और फिंगर में कितनी? 14। अब इनको नाम से जानते हैं कि किस तरीके से इन बोन के हमारे नाम होंगे, तो चलो हम लोग देखते हैं। तो जैसे इसमें लिखा है, पहला स्कैपुला, एक बोन, क्लेविकल ये वाली जिसे ब्यूटी बोन कहते हैं या पसली कहते हैं, ह्यूमरस ये वाली, रेडियस यहाँ पे ये वाली, अलना ये वाली, कार्पल इस जगह पे जो 8 रहेंगी, मेटाकार्पल ये हाथ की जो सीधी वाली हैं 5, और फलेंजिस 14। एक हाथ की कितनी हो गई? 32 बोन्स और दूसरे हाथ की 64। ठीक, इतना समय आ गया ना। तो इस तरीके से हमारे हाथ में इतनी बोन्स रहती हैं। ऐसे ही हमारे अब पैर की बात करते हैं कि पैर में हमारे कितनी बोन रहेंगी। तो कितना बताया मैंने?
पैर में बताई हैं 62 बॉन्स। तो ये हमारा पैर है, ठीक है ना, ये वाला, ठीक, ये पैर है। इसमें दो यहाँ पे हिप बोन रहेंगी, हिप वाली, ठीक है ना। उसके बाद फीमर रहेगी सबसे बड़ी बोन, फिर पटेला रहेगी जो हमारी ये नी वाली है, वो पटेला नाम है उसका। टीबिया, यहाँ पे एक हड्डी रहेगी। फेबला, फिर दूसरी हड्डी यहाँ रहेगी। टार्सल, यहाँ पे 7 बोन रहेंगी। मेटाटार्सल 5 इस जगह पे, और लास्ट में फेलेंजिस 14। तो इस हिसाब से एक हाथ की बोन कितनी हो जाएंगी, पैर, एक पैर की बोन कितनी हो जाएंगी, 31, और दोनों पैर की मिला के 62। इस तरीके से हमारी बोन का अरेंजमेंट ख़त्म हो जाएगा। तो 206, तो इस तरीके से हमारी 80 बोन हो गई ये इतने में, ठीक है ना, जिसमें स्कल, हेड बोन, वर्टिब्रल कॉलम, स्टम, रिब्स आएंगी। जो अपेंडिकुलर 126 बोन है, जिसमें 64 हाथ वाली और 62 पैर वाली। तो ये हमारी बोन्स कितनी, 126 हो गई। तो इस तरीके से 80 प्लस 126, 126 को दो भागों में, हैंड में और लेग में, आर्म में 64 और लेग में 62। इस तरीके से हमारा पूरी 206 बोन ख़त्म हुई। अब नेक्स्ट हम लोग मस्कुलर सिस्टम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू क्लास, बी सेफ, बी हैप्पी।